कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव ने विकास के मसीहा सिंधिया को विकास के मुद्दे पर घेरा। गुना शिवपुरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियों से वोट लेते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने विकास के नाम कुछ नहीं किया है। क्षेत्र के 3 जिलों में बड़े शैक्षणिक संस्थान, युवाओं को रोजगार नहीं है। 3 जिलों में पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल जैसे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि इस बार फिर परिवर्तन की लहर है, जनता उन्हें फिर सबक सिखाएगी। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी ने सिंधिया को भारी प्रत्याशी बताया है। राव यादवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि क्षेत्र के सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार के लिए राजस्थान, गुजरात में जाना पड़ रहा है। इतने वर्षों में क्षेत्र में एक भी फैक्ट्री या अन्य रोजगार के साधन नहीं खुल सके। सिंधिया जी को चुनाव आते ही एयरपोर्ट ध्यान आ रहे हैं, जबकि क्षेत्र के युवाओं को हवाई जहाज की नहीं रोजगार की आवश्यकता है। क्षेत्र में किसानों को भी हवाई जहाज की नहीं नहरों की आवश्यकता है। इन हवाई जहाजों में कितने लोग सफर कर लेंगे, साथ ही गरीबों को इन हवाई जहाजों से क्या लाभ। सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव ने। हमारे क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं किसान की बात करूँ, हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आज़ादी के बाद एक ही परिवार के व्यक्ति लगातार यहाँ से सांसद बनते आए हैं। हम एक दो बार अरिजन इतना उदाहरण यदि छोड़ें, एक दो बार छोड़कर, दुर्भाग्य इस क्षेत्र का है कि आज़ादी के इतने साल बाद हमारे क्षेत्र में कोई ऐसे बड़े तालाब और नहरों की व्यवस्था नहीं हो पाई जिससे हमारे किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था हो सके। दूसरा, हमारे जो क्षेत्र के युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको काम धंधे के लिए मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे कोई उद्योग धंधे नहीं है जिससे हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को, युवाओं को, भाइयों को कोई रोजगार मिल सके। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में कोई ऐसे बड़े शिक्षण संस्थान नहीं है जिससे हमारे भाई बहनों को पढ़ाई के लिए नए अवसर मिल सके। अधिकांशतः जो सक्षम नहीं होते अपने बच्चों को पढ़ाने में, उनके बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बच्चों को बड़े बड़े शहरों में नहीं पढ़ा सकता। बहुत कम लोग ऐसे हैं सक्षम हैं जो पढ़ा पा रहे हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं हमारे क्षेत्र में जो अभी तक नहीं हो पाया और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। भाजपा कह रही 400 पार इस बार, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, भाजपा इस बार 400 पार का कह रही है तो पेट्रोल के बारे में कह रही है। भाजपा कह रही है कि अब की बार पेट्रोल 400 पार। कोई मुद्दा और वही वजह तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसे उद्योग धंधे नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है जिससे हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के बेरोजगार आपको दूसरे स्टेट में मिलेंगे। अब अगर आप संख्या निकालें, सूचीबद्ध करें, तो लाखों की संख्या में निकल आएंगे आपको। ये स्थिति हमारे क्षेत्र की है, अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत पहले हमारे क्षेत्र में हो जाना चाहिए था धंधे, परंतु आज दिनांक तक नहीं हो पाए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो लगभग 3 साल से केंद्र मंत्री हैं वर्तमान में। केंद्र में मंत्री रहते हुए वो कुछ कर देते? पुराना मैं नहीं कह रहा, मैं अभी 3 साल की बात कर रहा हूँ। 3 साल में उन्होंने बेरोजगारी मिटाने के लिए क्या किया? मेरा एक सवाल है आपसे जी, कि सिंधिया जी बड़े लाव लश्कर के साथ में नामांकन दाखिल करने आए थे, जबकि उनके बड़े नेता कहते हैं अबकी बार 400 पार, तो लाव लश्कर काय के लिए? लाव लश्कर इसके लिए कि उनका जनाधार और उनका वोट तो बचा नहीं इस क्षेत्र में। लाव लश्कर के माध्यम से एक माहौल बनाने के लिए ये लगे कि बड़े बड़े नेता हैं और ये नेताओं के चेहरे को देख के उनको वोट मिल सके, इसके लिए वो भीड़ इकट्ठी कर रहे थे। और दूसरा, 400 पार की उनके जो नेता कह रहे हैं वो अपनी बार 400 पार पेट्रोल के बारे में कह रहे हैं, इस बार पेट्रोल 400 पार होगा ये कहना चाह रहे हैं। आप समझ नहीं रहे, हम नहीं समझ पा रहे। आपके सामने इतने बड़े दिग्गज नेता है सिंधिया जी, तो इस बारे में आपके लिए कुछ कहना है? इतने बड़े दिग्गज नेता है तो दिग्गज नेता तो वो होता है आज लोकतंत्र में। पहले जब आज़ाद नहीं हुआ था भारत, उस समय राजा महाराजा दिग्गज नेता होते थे। अब दिग्गज नेता वो है जो जनता के बीच में रह कर विकास के कार्य करेगा,
जो जनता के सुख दुख में खड़ा रहेगा वो दिग्गज नेता है। और ये दिग्गज नेता 5 साल पहले भी दिग्गज नेता थे, तब क्या परिणाम आया आपके सामने? अरे ऐसी जानकारी मिली है कि अशोक नगर बेल्ट में उनका अच्छा खासा वो प्रचार प्रसार और अच्छा खासा वर्चस्व चल रहा है, क्योंकि आप उस क्षेत्र से आते हैं। उनका कहीं पे कुछ वर्चस्व नहीं चल रहा, उनका वर्चस्व तो 5 साल पहले खत्म हो गया। जनता मन बना चुकी है कांग्रेस पार्टी को वोट देने, और जनता इस बार जनता ही चुनाव लड़ रही है, ये आपको 4 जून को पता चल जाएगा।